देख रहे हैं खबर दिन भर, मैं हूं शेख जूही। करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में मंदिरों की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से मंदिरों की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाके से संबंधित चार महत्वपूर्ण मामले में विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर ली है। साल 2008 में जयपुर में हुए बम धमाकों के मामले में निचली अदालत ने दो अभियुक्तों को साल 2019 में सजा सुनाई थी, मगर बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का इन याचिकाओं को स्वीकार करना 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाकों के पीड़ित के लिए न्याय की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। जयपुर शहर में भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार जयपुर शहर के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी विद्यालयों में आज यानी 2 अगस्त का अवकाश घोषित किया गया था। राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े ने जयपुर में अतिवृष्टि से हुई नागरिकों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया। उन्होंने अतिवृष्टि से उपजे हालात के संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी फोन पर जानकारी ली और आपदा राहत के लिए प्रभावी प्रावधान किए जाने के लिए कहा। वहीं बगड़े ने वायनाड में लैंडस्लाइड से अब हुई नागरिकों की मृत्यु और लापता हुए लोगों के समाचार को बहुत दुख बताया। उन्होंने उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से अब तक जन धन के क्षति पर भी चिंता जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में प्रदेश की सभी विभागों और निगमों के हजारों ठेका कर्मचारियों ने RLL SBC के गठन की मांग को लेकर जयपुर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया और मुख्य सचिव को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्त करने के लिए बजट घोषणा 2023 में ठेका प्रथा के शोषण से मुक्त करने के लिए रेक्सो की तर्ज पर ठेका कर्मचारियों को राजस्थान लॉजिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसकी अधिसूचना को अब तक जारी नहीं किया गया। झलावाड़ जिले में अघोषित बिजली कटौती सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस की ओर से विद्युत कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि झलावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने झलावाड़ जिला विद्युत कार्यालय में अघोषित बिजली कटौती की समस्या को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने बताया कि जिले में बिगड़ी हुई बिजली की अघोषित कटौती सहित ग्रामीण और क्षेत्रों में बिगड़ी विद्युत व्यवस्था से ग्रामीण जन काफी परेशान है। राजस्थान के झलावाड़ शहर पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राजकीय नेहरू उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में जाने के लिए छात्रों को भरे हुए पानी से गुजरना पड़ रहा है। ये पानी हर बरसात में भर जाता है। देश आजाद होने के बाद सरकार भी हर पार्टी की रही, लेकिन सरकार ने इस स्कूल की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जबकि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसी क्षेत्र से लगातार 5 बार से विधायक है। NEET UG मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक केवल पटना और हजीराबाद तक सीमित है। फैसले के अलावा आपत्ति है तो छात्र हाईकोर्ट जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतर रहा है? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वाले से, पर बता पीछे वालों को रहे, कोई पीछे है? वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी बोले, मैं कल से यही हूँ। कल हम घटनास्थल पर गए थे, हम शिविरों में गए थे, हमने यहाँ की स्थिति का आकलन किया। आज हमारी प्रशासन पंचायत के साथ बैठक हुई, उन्होंने हमें संभावित हतों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी दी। हम यहाँ संभव मदद करने के लिए हैं। कांग्रेस परिवार यहाँ 100 से ज्यादा घर बनाने का वादा करना चाहेगा, ये एक भयानक त्रासदी है। मैं इसका मुद्दे को दिल्ली में और यहाँ के मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाऊंगा। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूँ। शुक्रिया।